सेल्फ डिफेंस सिखाया गया, हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये बताया गया है। क्योंकि हम जब तक अपने आप को बचाएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, अगर हमें कुछ हो गया तो हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इसके वजह से हम अपने आप को बचाना। मऊ जनपद के सभी मुस्टॉफली स्कूलों में मैंने फ्री में जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी है और 5000 से भी अधिक लड़कियों को मैंने जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी। एक्चुअली जो लड़कियां भटक जा रही हैं लड़के के बहकावे में आके, या फिर जो अपने मंजिल को भूल जा रही हैं और गलत तरीके का फैसला ले लेती हैं, तो इससे क्या है कि उन लोगों को समाज में तो माँ बाप को जो बदनामी सहनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी, उन लोगों का करियर एकदम बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और जो इन लोगों की जो एज है पढ़ने, जो अभी इस समय है 16 साल के बाद की जो एज है थी, वैसे में उन लोगों को बहुत संभलना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर ऐसी एज में अगर वो लोग संभल गई तो फिर वो उन लोगों अपना लाइफ बना लेती हैं, अगर भटक गई तो अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर लेती हैं। हाँ, आए दिन छेड़खानी भी हो रही है, तो ऐसे में क्या है कि हम उन लोगों को सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़्यादा जानकारी जरूरी है। अभी जैसे कि यहाँ पे एक लड़की क्वेश्चन की थी कि मैडम जैसे लड़के धक्के मार के निकल जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को वैसे सारे हर चीज़ों के बारे में बताया गया कि जैसे कोई लड़का हाथ पकड़ लेता है या कमेंट करता है या फिर बदतमीजी करता है तो हमें कैसे उसका सामना करना है, कैसे जवाब देना है और कैसे फाइट करनी है। जैसे गैंग रेप की बात आती है तो गैंग रेप में उन लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया कि अगर जैसे गैंग रेप में कई लोग अटैक करते हैं तो किसी एक को आप टारगेट करिए, किसी एक को टारगेट करिए, उसके ऊपर अटैक करिए, जहाँ वो लहूलुहान हुआ वहाँ बाकी के अपने आप छोड़ के।